और भी ऐसे वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें हिंदी वेब चैनल को और दबाए बेल आइकन को ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। दोस्तों आज का जो वीडियो है वो लगभग सभी के लिए काम का है, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में मैं आपके लिए एक ऐसा तरीका लाया हूँ जिसके जरिए अब आप अपने एंड्रॉइड के द्वारा पता कर सकते हैं कि आपके घर में जो भी रिमोट है वो वर्क करते हैं या नहीं। दोस्तों आपको पता होगा यदि आपके घर में किसी भी प्रकार के कोई भी रिमोट है, जैसे टीवी रिमोट है, डीवीडी रिमोट है या फिर एसी रिमोट है, वो यदि कभी भी खराब हो जाते हैं तो आप क्या करते हैं, उसके अंदर जो सेल होते हैं वो आप चेंज कर लेते हैं, और सेल चेंज करने के बाद भी फिर भी आपका वो रिमोट काम नहीं करता तो आप डायरेक्ट उस रिमोट को चेंज कर लेते हैं। पर यदि दोस्तों आप पता करना चाहते हैं कि आपका जो रिमोट है वो वर्क करता है या नहीं, तो इसके लिए दोस्तों मैं आपके लिए एक ऐसा तरीका लाया हूँ जिसके जरिए अब आप अपने एंड्रॉइड के द्वारा पता कर सकते हैं कि आपका जो रिमोट है वो वर्क करता है या नहीं। तो ज्यादा जानने के लिए दोस्तों आप ये वीडियो कंटिन्यू देखते रहिए, जिससे कि आप जान सकते हैं कि आप किस प्रकार से अपने एंड्रॉइड के द्वारा खराब रिमोट की जानकारी निकाल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसके लिए दोस्तों सबसे पहले आपको अपने एंड्रॉइड के अंदर कैमरे को ओपन करना है, और कैमरे को ओपन करने के बाद फिर आपको अपने रिमोट को लेकर आपको उस कैमरे के सामने उस रिमोट को रखना है। जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे किस प्रकार से रखा है। उसके बाद दोस्तों आपको यदि चेक करना है कि आपके रिमोट के अंदर कौन से बटन काम करते हैं या नहीं, या फिर आपका जो रिमोट है वो वर्क करता है या नहीं, तो इसके लिए आपको उन बटन को प्रेस करना है, और प्रेस करने के बाद आपके जो मोबाइल की डिस्प्ले है उसके अंदर आपको जो सेंसर की लाइट है वो शो हो जाती है, जो कि आपको डायरेक्ट शो नहीं होती है। जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने वहाँ पे जो रिमोट के बटन प्रेस किया तो यहाँ पे जो सेंसर की लाइट है वो हमें इस प्रकार से शो हो जाती है, मतलब हमारे ये बटन एकदम सही काम कर रहे हैं और हमारा रिमोट भी सही है। इसी प्रकार से दोस्तों आप जितने भी बटन है उन सबको प्रेस करके आप अपने कैमरे की डिस्प्ले पर देख सकते हैं कि आपको वो सेंसर लाइट शो होती है या नहीं। आपको यदि वो सेंसर लाइट शो होती तो आपको ये समझना कि वो बटन सही काम कर रहा है और आपका रिमोट भी सही है। यदि ये सेंसर लाइट आपको अपने एंड्रॉइड के कैमरे के अंदर शो नहीं होती तो आप ये समझिए कि आपका जो रिमोट है वो सही वर्क नहीं कर रहा है। इसी प्रकार से दोस्तों यदि आप अपने एसी के रिमोट को चेक करना चाहते हैं या फिर किसी भी प्रकार के रिमोट को चेक करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको अपने एंड्रॉइड के अंदर जाके अपने कैमरे को ओपन करना है, और कैमरे को ओपन करने के बाद फिर आपको उसके सामने आपके रिमोट को रखना है, जैसे कि मैंने इसके अंदर किस प्रकार से रखा है इसी प्रकार से आपको भी रखना है। अब आपको जो भी बटन चेक करना है उसको आप प्रेस करके आप चेक कर सकते हैं कि आपका जो रिमोट है वो वर्क करता है या नहीं। प्रेस करने के बाद जो सेंसर की लाइट है वो आपको अपने कैमरे के अंदर शो हो जाती है, जैसे कि आप देख सकते हैं मुझे इस प्रकार से शो हो जाती है, मतलब अब हमारा जो ये रिमोट है वो सही वर्क कर रहा है। यदि ये सेंसर की लाइट ऑन नहीं होती तो आप ये समझिए कि आपका जो रिमोट है खराब है। तो इस प्रकार से दोस्तों आप डायरेक्ट किसी भी रिमोट को चेक कर सकते हैं कि वो वर्क करता है या नहीं। तो यदि दोस्तों आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए, और अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आपको हमारे वीडियो के नीचे इस प्रकार से रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिखाई दे रहा है, आप इस पे क्लिक करके आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद फिर आपको यहाँ पे जो बेल का आइकन दिया हुआ है आपको उस पर क्लिक करना है, जिससे कि आपको हमारे जितने भी लेटेस्ट वीडियो है उन सबका बेल के द्वारा नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू।